नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए वीडियो में। और आज के नए वीडियो में हम सभी छात्र छात्राओं को जानकारी बताना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं का जो वार्षिक परीक्षा परिणाम है सत्र 2023 का, वो यहाँ पे आ चुका है। और अब यहाँ पे जिन भी छात्रों को सप्लीमेंट्री है वो अपना परीक्षा फॉर्म कहाँ से और कैसे फिल कर सकते हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम बताने वाले हैं। साथ ही कब तक आप जो है आवेदन कर पाएंगे, लास्ट डेट क्या है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहेंगे, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उन्हें यहाँ पे सप्लीमेंट्री है तो वो यहाँ से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जिन छात्र जो छात्र यहाँ पे कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं में एक या दो सब्जेक्ट से अधिक में फेल हैं वो यहाँ पे रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम वीडियो बना चुके हैं, आज के इस वीडियो में केवल हम सप्लीमेंट्री के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने साइट ओपन किया हुआ है, एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर हमने एमपी बीएसई की जो वेबसाइट है ओपन की है। इसके बाद ये जो लिंक है आपको डायरेक्ट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से डायरेक्ट ही लिंक पर आप पहुंच सकते हैं या फिर आप गूगल पर टाइप कर सकते हैं एमपी बीएसई। आप टाइप करेंगे एमपीबीएसई, आप जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस टाइप से पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको ये जो वेबसाइट दिख रही है इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस टाइप से एक पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको काउंटर बेसिक फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है, बीच में जो आपका सेंटर में जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो है सप्लीमेंट ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं थर्ड नंबर पर आपको सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023 का ऑप्शन है जो कि यहाँ पे अभी जो आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे 31 मई यानी आज 2023 31 मई 2023 से आपका जो है आवेदन प्रारंभ हुआ है और 15 जून 2023 तक ये चलने वाला है। तो आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके बाद अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपको रिसिप्ट नहीं मिलती है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट एग्जाम रसीद निकालने का ऑप्शन भी दिया गया है जो कि 15 जून 2023 तक चलने वाला है। तो जल्दी से हम फॉर्म फिल करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका एक डाउट यहाँ पे क्लियर कर दें, कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं का। तो पहले हम यहाँ पे फॉर्म ओपन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे। तो आपको यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर्म 2023 के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने इस टाइप से पेज ओपन होता है। यहाँ आपको सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करना है, क्लास सिलेक्ट करना है, एग्जामिनेशन टाइप सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको बता दें जितना सप्लीमेंट्री सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लास में टेंथ में है तो टेंथ, ट्वेल्थ में है तो ट्वेल्थ। तो यहाँ पे हम आपको टेंथ ट्वेल्थ में से कोई एक फॉर्म भर के बता देते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेन एग्जाम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे पासिंग ईयर में 2023 आपको यहाँ पे आपका रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप अपना कैप्चा कोड डालेंगे और सर्च बटन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ये जो सर्च बटन का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो है स्क्रीन पर डाटा आ जाता है। तो हम यहाँ पे जल्दी से जानकारी फिल कर लेते हैं, कैप्चा कोड फिल कर लेते हैं और सर्च बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने जो है स्टूडेंट की जानकारी खुलकर आ जाती है। यहाँ पे आपको ये जो फुल इन्फॉर्मेशन है इसे आपको चेक कर लेना है, आपका यहाँ पे पूरा डाटा सही है। इसके बाद यहाँ पे ये ट्वेल्थ के स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन हमने खोला है तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट की डिटेल दिख जाएगी, किस सब्जेक्ट में इन्हें सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हें इकोनॉमिक्स में सप्लीमेंट्री आई हुई है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में कक्षा 10th और कक्षा 12th के विद्यार्थियों के लिए कुछ डाउट हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें जैसे कि कक्षा 12th के जो छात्र हैं उन्हें तो एक एक सब्जेक्ट में यहाँ पे सप्लीमेंट्री है। इसके बाद कक्षा 12वीं के जो छात्र हैं उन्हें कितने सब्जेक्ट में फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ पे ये उन्हें डाउट है। तो यहाँ पे आपको बता दें कक्षा 10वीं में जो छात्र हैं उनके जो एग्जाम हैं वो 6 सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं और बेस्ट ऑफ 5 के अंतर्गत उनका रिजल्ट बनता है। यानी कोई 5 सब्जेक्ट में वो पास हो और एक में अगर वो फेल हैं तो उन्हें पास माना जाता है और उनका रिजल्ट सही होता है। लेकिन जिन छात्रों के लिए आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो आप जो है एक हैज और एक सप्लीमेंट्री वाले 2 सब्जेक्ट का परीक्षा फॉर्म फिल करें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना जाए और आप अपना रिजल्ट सुधार सकें। तो यहाँ पे 2 10वीं के जो छात्र हैं वो 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री का फॉर्म फिल करेंगे और कक्षा 12वीं के जो छात्र हैं वो 1 सब्जेक्ट में अपना सप्लीमेंट्री का फॉर्म जो है फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे इनके सब्जेक्ट में हम टिक करते हैं और आगे चलते हैं। सेव बटन के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसा ही सेव बटन के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो आवेदन है वो नेक्स्ट प्रोसेस पर पहुंचता है, वहां आपको जो है आपका फीस पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे अभी पोर्टल जो है अभी खुला है तो यहाँ पे थोड़ा स्लो चल रहा है। जैसे ही यहाँ पे हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप इस टाइप से ओपन होता है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है अभी साइड ओपन हुई है
और जिन भी छात्रों का जो डाटा है वो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, सही है, नाम सही है। केवल यहाँ पे आपको फोटो में प्रॉब्लम जा सकता है, जैसे कि अभी हमने पहले फॉर्म खोला था, फोटो चेंज हो चुकी है, यानी यहाँ पे सर्वर के कारण जो है आपकी फोटो यहाँ पे चेंज भी हो दिखती है, अगर आपको चेंज दिखती है। अगर जानकारी चेंज दिखे तो आपको फॉर्म फिर से फिल करना है, और अगर जानकारी चेंज ना दिखे, जानकारी सही है, केवल अगर फोटो में आप जो है यहाँ पे अगर चेंज भी हो जाए तो आप यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है आगे बढ़ेंगे तो आपका जो फोटो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सब्जेक्ट के लिए इनका जो 350 रुपये का शुल्क यहाँ पे भुगतान हो रहा है, और 2500 रुपये बोर्ड चार्ज, यानी 375 रुपये का यहाँ शुल्क भुगतान करना है। तो यहाँ पे ये प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये जो है पेमेंट के ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे इन्हें क्योस्क और सिटीजन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप क्योस्क के माध्यम से करेंगे तो आपको एमपीओलन क्योस्क की आईडी चाहिए पड़ेगी। अगर आप सिटीजन के ऑप्शन से करेंगे तो यहाँ पे आप अपने नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई से वो पेमेंट कर पाएंगे। तो ये जो है यहाँ पे इसके बाद आप पेमेंट करें, पेमेंट की जो रसीद है वह निकाल सकते हैं। अगर पेमेंट की रसीद नहीं निकलती है तो आप इस एप्लीकेशन नंबर को जो है कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद हम वापस इस पर चलते हैं और आपको स्लिप निकाल के भी बता देंगे कैसे आप जो है अपनी रिसिप्ट दोबारा प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो छात्र पेमेंट करने के बाद उन्हें रसीद नहीं मिलती है तो वो अपना जो है दोबारा प्रिंट निकाल पाएंगे। डायरेक्ट वापस अपनी जो है वेबसाइट पर चलते हैं। वेबसाइट पर चलने के बाद आपको जो है पेमेंट ही एग्जामिनेशन डुप्लीकेट रसीद का ऑप्शन है, रसिप्ट का ऑप्शन है, इसे आपको फिर से ओपन करना है। जैसे इसे आप ओपन करेंगे तो आपको जो एप्लीकेशन नंबर हमने कॉपी किया है वो नंबर आपको फिल करना है, कैप्चा कोड डालना है, और आपको जो है रसीद दोबारा प्रिंट कर लेनी है। तो यहाँ पे आप जो है अपना रसीद दोबारा प्रिंट कर सकते हैं। और इसके अलावा और कोई जानकारी लेना चाहे तो जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं, और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक हम सबसे पहले पहुंचाते रहें। धन्यवाद।